बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन क्रीमी बॉक्स पेटी, जो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। पालक चिकन क्रीमी बॉक्स बेटी बनाने के लिए मैंने चिकन ले ली हूँ, 300 ग्राम चिकन ली हूँ, उसके मैंने छोटे टुकड़े कर ली हूँ। और पालक ले ली हूँ, एक कप जितना पालक है। और मैंने बॉयल कॉर्न ले ली हूँ, उबला हुआ भुट्टा। और मैंने ली हूँ स्प्रिंग ऑनियन, हरा कांदा दो ली हूँ कांदे, उसको मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन ले ली हूँ, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैं अच्छे से सौते कर लूंगी इसमें अदरक लहसुन में। अच्छे से 1 से 2 मिनट हमें भून लेना है चिकन को। अभी हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। व्हाइट पेपर पाउडर डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, चाट मसाला डालूंगी मैं 1/2 चम्मच जितना, और इसमें थोड़ा सी मिक्स हर्ब डालूंगी मैं 1/2 चम्मच जितना। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमें मसालों में अच्छे से पका लेना है और चिकन को गला लेना है। थोड़ा गैस की फ्लेम को स्लो करके मैं इसे चिकन को थोड़ा गला लूंगी 2 से 4 मिनट। चलिए हम चिकन को चेक कर लेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच व्हाइट विनेगर ऐड कर दूंगी और चिकन हमारा गल चुका है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। अब इसमें सारी सब्जियां ऐड करेंगे। मैं पालक ऐड कर दूंगी, स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर देंगे और कॉर्न ऐड कर देंगे। फास्ट फ्लेम पे हम अच्छे से पकाएंगे। पालक को हमें ज्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं करना है। फास्ट फ्लेम पे हम अच्छे से इसे पका लेंगे। अच्छे से मैंने 1 से 1.5 मिनट तक पका ली। अभी इसमें नमक ऐड करूंगी मैं। नमक हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हम फास्ट ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास है तो फ्रेश क्रीम ऐड कर ले। मैं मलाई ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच करके। अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स करके
इसमें अब हम चीज ऐड करेंगे, एक क्यूब लेंगे हम चीज का, वो उसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। बहुत ही टेस्टी बनता है, क्रीमी, आप लोग जरूर ट्राई करना। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस फिलिंग को हम ठंडा होने देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है चिकन की और पालक की। अभी हम बॉक्स पट्टी बना लेंगे। मैंने समोसे की पट्टी ले ली हूँ और मैदे की लई बना ली हूँ मैंने चिपकाने के लिए। तो सबसे पहले हम दो पट्टी लेंगे और दो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के जो हमने बनाए वो फिलिंग ऐड कर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से हम रखेंगे। फर्स्ट पार्ट इस तरह से थोड़ी सी लई लगाएंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट अच्छे से हम सील करेंगे। दूसरा पार्ट इस पे इस तरह से, और इस पे भी हम लई लगाएंगे। इस तरह से पूरा इस तरह से हम पैक कर लेंगे इसे, इस तरह से पूरा हम पैक करेंगे इस तरह से, इस तरह से सारे मैं तैयार कर लूंगी। एक और आपको बता देती हूँ, इस तरह से हम बनाने वाले। फिलिंग रखेंगे हम पहले, जो पट्टी हमने नीचे रखे है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, जो ऊपर वाली पट्टी को नहीं फोल्ड करना है। फिर उसके ऊपर दूसरी पट्टी, फिर इसे पैक करना है इस तरह से, चारों तरफ से हम इस तरह से लई लगाएंगे। फिर एक और पट्टी अच्छे से, उसके बाद फिर लई लगाएंगे और लास्ट ये वाली पट्टी, इस तरह से हम पैक कर लेंगे। इस तरह से सारे बॉक्स पट्टी रेडी कर लूंगी मैं। सारे बॉक्स पेटी तैयार कर लियो मैंने। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम ली हूँ और दो अंडे ली हूँ, उसमें दो चम्मच दूध ऐड करी हूँ और थोड़ा नमक। अच्छे से हम फैट लेंगे इसे। अच्छे से फैट के पहले हम ब्रेड क्रम में डिप करेंगे इस तरह से, अंडे में, पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम में इस तरह से। चारों तरफ से हमें अच्छे से ब्रेड क्रम लगाना है इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पेटी को हम कोटिंग कर लेंगे अंडे की और ब्रेड क्रम की। इस
तरह से मैं सारे रेडी कर लूंगी। अंडा और ब्रेड क्रम्ब से मैंने कोटिंग कर ली हूँ, अभी हम उसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम रख ली हूँ मैंने और तेल गरम हो चुका है तो उसमें मैं पेटीज ऐड करूंगी और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। स्लो आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है, ज्यादा फास्ट आंच पे हम फ्राई नहीं करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूंगी मैं अल्टी पल्टी करते हुए। अच्छे से मैंने गोल्डन फ्राई कर ली हूँ तो इसे मैं निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूंगी। बॉक्स पेटीज इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारी पालक चिकन बॉक्स पेटी, रेडी है क्रीमी। आप लोग ज़रूर इस रमज़ान में बनाएं और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।